एकीकृत बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव, जो कि बेरोजगारों के लिए संघर्ष करने के लिए पूरे राजस्थान में जाने जाते हैं, आज पहुंचे हैं यादव समाज का जो एक बड़ा महासम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जा रहा है उसमें शिरकत करने के लिए। उपेंद्र यादव से बात करेंगे। उपेंद्र जी, बेरोजगारों के मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन ये ट्रैक चेंज कैसे हो गया? आज तो यादव समाज के मुद्दों के लिए आए। देखो, हर समाज हर धर्म के लिए लड़ता हूँ, लेकिन जिस समाज से मैंने जन्म लिया तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जैसे मैं युवा बेरोजगारों के अलग परिवारों के अलग माँ बाप जो पूरे युवा बेरोजगारों के लिए लड़ता हूँ, समय आएगा तो मेरे माँ बाप के लिए भी लड़ना पड़ेगा। जिस समाज से जन्म लिया, मेरा कर्तव्य कि सम्मान की लड़ाई है। 18 नवंबर 1962 में 114 से ज्यादा वीर सैनिक चीन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को लोहा लेते, उनको मारते हुए शहीद हो गए, तो उनके आत्मसम्मान में यही रेजिमेंट बनना चाहिए। और यही रेजिमेंट के लिए देश के अलग अलग सांसदों ने, एमएलए ने, हर समाज के लोगों ने समर्थन दिया, लेटर लिखा, तो केंद्र सरकार को तत्काल ये मांग पूरी करनी चाहिए। तो उपेंद्र यादव की ये घोषणा कि समाज के लिए भी लड़ना चाहिए, क्या लगता है कि भविष्य में उपेंद्र यादव बेरोजगारों के साथ यादव समाज के मुद्दों के लिए भी जेल जाते हुए दिखाई देंगे? मैं एक चीज बताऊं, हर समाज, मैं तो ये कहूंगा आपको भी आपके समाज के लिए लड़ना चाहिए और लड़ रहे हैं, ये सबका कर्तव्य है। जिस समाज में जन्म ले, सबको उनकी वाजिब मांग उठानी चाहिए। तो हर समाज के लोग मांग उठा रहे हैं और मैं तो हर समाज की मांग उठाता हूं, लेकिन जब यादव समाज की बात आई, जो सम्मान की बात आई, जो चीन के सैनिकों को मार गिराया, मात्र 120 सैनिक थे, उसमें 114 लोग शहीद हो गए, और केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा, रेंजांगला में अहिर धाम बना रखा है, तो उसको अहिर रेजिमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर उपेन जी, बात यह है कि ये कोई नई मांग तो है नहीं यादव समाज की, लगातार यादव समाज इसके लिए समय समय से मांग उठाता रहा है, क्या कारण मानते हैं कि सरकार की कानों तक जू नहीं रेंग रही, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है? रेंग जाएगी जब लगातार आप देखो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, पूरे देश में आवाज बुलंद हो चुकी है, सांसद, एमएलए, अलग अलग समाज के सब लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आज नहीं कल ये मांग तो माननी पड़ेगी। ये सम्मान की लड़ाई है। अही रेजिमेंट से कोई नौकरियां थोड़ी मिल जाएगी, कि नौकरियां मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। ये जो शहीद हुए हैं, जो देश के लिए शहीद हुए, उनके सम्मान है, बिल्कुल। जब जब आप बता दीजिए, केंद्र सरकार ने वह अहिर धाम बनाया, क्यों बनाया? योगदान था, उन्हें शहादत दी, चीन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, तो अहिर धाम बनाया, तो अहिर रेजिमेंट भी मनानी चाहिए ये मांग। और सर्व समाज के लोग, सबसे अच्छी बात है, सर्व समाज के लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा जो सामाजिक, जो श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड की मांग समाज के लोग कर रहे हैं, वो राव तुल्लाराम मार्ग की मांग कर रहे हैं, कई मांग कर रहे हैं, और वो भी सार्वजनिक अवकाश की मांग कर रहे हैं। और साथ में तो ये भी एक नई मांग जोड़ रहा हूँ, 2018 से 22 तक जो ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों से नुकसान हुआ था, वो सारे पद सर्जित करके ओबीसी युवाओं को देना चाहिए, जो मांग लगातार हम लड़ रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि राजस्थान में कभी यादव पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जाती? प्रतिनिधित्व भी कोई ठीक ठाक नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या में टिकट नहीं मिलते, जबकि दूसरे समाज मुख्यमंत्री के लिए मांग कर रहे हैं यादव समाज को, एक अदद मंत्री पद भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। देखो, ये सारे समाज के लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं, यही वो बात रख पाएंगे। मैं एक समाज का अंश हूँ और मेरा कर्तव्य है, मुझे बुलाया है, और मैं जितना भी सहयोग कर पाऊँ। जब मैंने पूरा इतिहास पढ़ा, मैं रात को देख रहा था, क्योंकि मैं युवा बेरोजगारों के बीच में रहता हूँ, युवाओं की मांग मुझे याद रहती है, अधिकतर आंकड़े याद रहते, तो मैं रात को देख रहा था पूरा, तो मैं देखा कि 3 महीने बाद युद्ध होने के बाद, जब 114 लोग शहीद हो जाते हैं, 3 महीने के बाद एक गडरिया जाता है, वो देखता है कि वो सैनिक वहाँ बर्फ में बिल्कुल जमे हुए हैं, और वो जो 1300 ज्यादा चीन के सैनिकों को मार गिराया, वो कितनी बड़ी शहादत थी, कितने लोहा उनसे लिया, कितने आत्मसम्मान की बात है। और तो उस चीज के लिए वास्तव में उनको सम्मान मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा वो अहिर समाज के थे, अन्य समाज के लोग भी हैं, यदि वो भी शहीद हुए तो सम्मान उनको मिलना चाहिए। यह सम्मान की लड़ाई है, तो हर समाज के लोग आगे हैं। मैं तो हर समाज के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समर्थन किया। राजस्थान में जो यादव पॉलिटिक्स का एक सूनापन है, क्या लगता है कि उपेन यादव भविष्य में उसकी बागडोर थामेंगे? आपको कभी लगा कि मेरे पीछे यादव के जातिवाद वाला कैसा लगा? आपने समाज की बात की कि जिस समाज में हमने जन्म लिया है, जिस जाति में हम पैदा हुए हैं, उसके लिए जब मुझे समाज के लिए, मेरा कर्तव्य निभाने के लिए मुझे आना पड़ेगा तो मैं आऊंगा, जान देनी पड़ी तो दूंगा, लेकिन मैं हर समाज हर धर्म की आवाज उठाता हूँ, क्योंकि जब लड़ाई लड़ते हैं तो यह नहीं देखते यादव है, जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, एससी है, एसटी है, जनरल है, हर युवा के लिए मैं लड़ता हूँ।
और लड़ता है उनके लिए आगे। अगला आंदोलन किसके लिए कर रहे हैं? युवाओं के लिए, बेरोजगारों के। क्या मुद्दा है? युवा बेरोजगार महासम्मेलन है। पिछली बार सुना है आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई पुलिस के द्वारा। चलता रहता है, आपने देखा होगा मैं किस वंश से आता हूँ। हमारे जो वंशज श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने जेल में जन्म लिया था, मैं उनके वंश से आता हूँ। उनका कोई हर्ज नहीं है जेल जाने का, इसलिए तो मैं जेल जाता हूँ। मुझे डर नहीं लगता, मुझे कई बार पूछते रहते आप जेल इतनी बार, डर नहीं लगता? मैं उनका वंशज हूँ, डरता नहीं हूँ, सत्य के लिए लड़ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कहीं जेल जाने के लिए आंदोलन करते हैं? जेल कौन जाना चाहता है? आपने कहा कि श्री कृष्ण लोग ये कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, तो मैं उनका उदाहरण देता हूँ, उनका वंशज। लेकिन जेल में आपको पता है कितनी यातनाएं होती है, दर्द होता है, कई बार तो झूठे मुकदमे में डाला, आपको पता है। लेकिन यह सत्य के लिए उस समय पिछला जो आपका आंदोलन था, आप काफी मुखर हुए राजस्थान सरकार के खिलाफ। मुखर तो आज भी हूँ सत्य के लिए, मुखर तो आज भी हूँ, डरता किसी के बाप से नहीं हूँ। दोनों सरकारों में लड़ा हूँ, सिंध सामने से लाठियां खाता हूँ, लड़ता हूँ। आने वाले चुनाव में युवाओं का बड़ा रोल होगा, जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं होगा इस बार, वो रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और आज मैं समाज के लिए आया हूँ, लेकिन कल चाहिए मेरे 3 प्रोग्राम है। सुबह शिक्षा मंत्री से मिलना, 11 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड में प्रदर्शन है, और उसके बाद कार्यालय में युवाओं से जन सुनवाई का प्रोग्राम है। तो आज केवल कई दिनों बाद पहला जो मैंने समय दिया, लेकिन युवाओं के लिए समय था। आपका वीडियो वायरल हुआ था ट्विटर पर, उसको देखकर युवाओं में बहुत ज्यादा रोष था। युवा तो मैं राजस्थान का पहला ऐसा युवा हूँगा, जब भी मुझे जेल में डाला अंचन हुआ, सबसे ज्यादा इंडिया में ट्विटर पर ट्रेंड, मुझे लगता है 15 से ज्यादा बार। क्या लगता है कि राजस्थान सरकार ने द्वेषपूर्ण तरीके से आपके साथ वो बर्ताव किया? अबे चलता रहता है, संघर्ष में आप खुलकर बता दीजिए। देख संघर्ष में लाठियां खानी पड़ती है। हम उत्तर प्रदेश के कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए संविदा पे थी, लेकिन प्रियंका गांधी से मिला। लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपके साथ किया गया, आपको लगता है कि राजस्थान सरकार ने द्वेषतापूर्ण आपके साथ व्यवहार किया, जबकि आप तो एक आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी के साथ? 19 नवंबर की जो घटना है, वो मेरे जीवन की सबसे दर्दनाक घटना है, जब मुझे उठा के झूठे मुकदमे जेल में डाल दिया, वो चीज आज मुझे याद आती है। और जिस प्रकार 7 फरवरी को आज मेरा आरपी सिंह का लाठीचार्ज हुआ, तो कई घटनाएं ऐसी हैं जो बड़ी दुखदायी थी, पीड़ा देने वाली थी, लेकिन पीड़ाओं को भूलकर हमें आगे युवाओं के लिए संघर्ष करना। चुनाव नजदीक है, क्या चल रहा है उपेन यादव के दिमाग में? युवाओं के रोजगार पर वोटिंग हो, बड़ा मुद्दा बेरोजगारी हो, और ज्यादा से ज्यादा भर्ती आए। मेरे यही है, देख लो पूरे देश, आप खुद राजनीति में क्यों नहीं आ जाते? पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्ती राजस्थान में आ रही है, और मुझे आना होगा। यदि गंदगी का सफाया नहीं हुआ, आना होता हूँ। इसे ऐलान माना जाए कि उपेन यादव सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं? नहीं नहीं, अभी ऐलान क्यों कर रहे हैं? मरवाओगे क्या बेरोजगारों के काम करवाने? क्योंकि मुझे काम कर रहा है। मैं, आपने कहा कि आना ही होगा? नहीं नहीं, आना पड़े तो आऊंगा, गंदगी साफ नहीं थी। राज्य सरकार मांगे पूरी कर देंगे तो मैं नहीं भी, ठीक है ना? अभी पता है जो काम हो रहे हैं, सरकार सुनने और बंद कर देगी। लेकिन यह है कि अभी फिलहाल अन्य देश, अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में कई भर्ती आई है। 1 लाख प्रक्रियाधीन है, 1 लाख की अब कैलेंडर जारी होना, वो पूरी करते तो मैं सरकार के साथ हूँ, नहीं करते तो मैदान में कूदना पड़े तो कूदेंगे। सरकार के खिलाफ अभी साथ हूँ, मांगे पूरी करेंगे तो, नहीं करेंगे तो फिर क्या स्टैंड रहेगा? सरकार के खिलाफ, यानी कि जो सरकार के खिलाफ है आप उसके साथ जाएंगे? मैं युवाओं के साथ हूँ। सरकार रिपीट की बातें चल रही है, युवाओं का कितना बड़ा योगदान रहेगा? यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है तो रिपीट भी हो जाएगी, और उपेन यादव उसमें साथ देंगे? बिल्कुल, युवाओं की जो तमाम लिखित समझौते हैं, गुजरात समझौता, लखनऊ समझौता, 1 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन को पूरा करते हैं, लंबित भर्तियों को पूरा करते हैं, तो मैं साथ जाने के लिए तैयार। मुझे केवल युवाओं की मांगे पूरी होनी चाहिए, उनको साथ। तो उपेन यादव थे, बेरोजगारों के मुद्दे पर लगातार दल्ख रवैया इनका रहता है। बीते दिनों एक आंदोलन के दौरान एक वीडियो भी ट्विटर पर खूब वायरल हुआ, और उस वीडियो में उपेन यादव के साथ में जिस तरह का बर्ताव किया राजस्थान भर के युवाओं में, उसको लेकर रोष था। आज चूंकि यादव समुदाय से आते हैं, यादव जाति से आते हैं, यादव समाज का जो आज महासम्मेलन हो रहा है, उसमें शिरकत करने के लिए उपेन यादव आए हैं। हमने बहुत सारे मुद्दों पर उनके साथ में बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र के यादव, जयपुर।